घर तो कमत में है, पुराना वाला घर ना ब्रह्मपुरी में है। ब्रह्मपुरी में ना दादा और दादी जी रहते हैं। दोस्तों अब ना मैं रील्स बनाती हूँ, बहुत दिनों से ना मैंने रील्स, अभी ना मैंने जैसे फोन को चार्ज लगाया उतने मैंने लाइट भी चली गई है, पता नहीं अब लाइट आती भी है कि नहीं भी आती। ऊपर जाती हूँ, ऊपर वाले फोन को बंद कर देती तुरंत। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है ज्योति कनोटे, मेरे ब्लॉग का नाम है ज्योति कनोटे ब्लॉग। अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। स्वागत करती हूँ आप लोगों का नेपड़ गांव से, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। मौसम की बात करें तो आज ना बहुत सुहानी धूप आ रखी है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज नवरात्रि पड़ रही है, यानी कि आज नवरात्रि का फर्स्ट दिन है। तो मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। और अभी तक ना हम सभी लोगों ने नाश्ता किया है, सास जी ने गौशाला जा रखी है, यहाँ पर ना कैमरामैन मेरी नंजी आ रखे थे। तो अब हम घर चलते हैं, क्योंकि अभी तक ना हमने स्नान किया है तो हमें धूप सेकने आ रखी थी छत के ऊपर, यानी कि लोगों की छत के ऊपर। ठीक सामने मंदिर की बात करें तो वहाँ ना जितना भी सामान था वो पूरा खाली हो गया है, कि सामान वाले ना अपने सामान को अपने अपने घर चले गए है। इतने भी बड़े इत के लोग आ रखे थे, वो भी ना अपने अपने घर चले गए थे सुबह। और ये हमारा रोकी है यहाँ पर। रोकी क्या कर रहे तू? इसको बहुत ज्यादा नींद आ रही है आजकल, नहीं? सभी लोग सोचेंगे कि मेरा शायद व्रत है, तो मेरा व्रत नहीं है। हमारे घर पर ना सिर्फ आज सासू जी का व्रत है, और सासू जी ने आज लास्ट दिन व्रत करेंगे। और इस बार ना हमने नवरात्रि नहीं डाल रखी है, क्योंकि इस टाइम पे ना पतिदेव घर है और ना ससुर जी घर है, तो अगले साल डाल सकते हैं हम नवरात्रि। जैसी माता रानी की कृपा होगी तो वैसे होगा हमारे साथ। और किसी का कमेंट्स ये भी आ रखा था कल की वीडियो में कि आपके इधर सासू जी किसको कहते हैं, तो हमारे इधर ना सासू जी उसको कहते हैं जो ना मेरे पति देव की मम्मी है, तो उसको ना हमारे इधर सासू जी कहते हैं, और पति देव के पापा को ना ससुर जी कहते हैं। के ज़माने में तो सभी लोग मम्मी और पापा बोलते हैं, तो मेरे को ना ऐसे बोलने की आदत नहीं है। तो मम्मी और सासू जी में क्या अंतर रहा, इसी कारण से मैं सासू जी और ससुर जी बोलती हूँ। और दोस्तों अब मैं बाहर जाती हूँ धूप सेकने, क्योंकि अभी तक ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं, नहीं तो मेरे को सिर दर्द हो जाएगा बालों के कारण। तो थोड़ी देर तक ना धूप सेकती हूँ, और उसके बाद ना ज्योति और मैं खाना खाएंगे। और देवर जी ने तो सुबह ही खाना खा दिया था, और सासू जी का तो आज व्रत है। यहाँ पर देखो मेरी ननन जी के पास कार्ड मिल गए। किसका कार्ड है? शादी का भेद का है। धीरे धीरे ना शादी के कार्ड भी आने लग गए हैं घरों घरों में, क्योंकि अब शादी का सीजन भी आने वाला है, यानी कि आ ही गया है। गांव में बहुत ज्यादा सुनसान लग रहा है, और मंदिर के सामने भी ना कोई भी लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। कल तक तो पूरा मंदिर का मैदान भरा भरा था, और आज ना पूरा मैदान खाली हो रखा है, क्योंकि कल तक तो कथा हो रही थी, तो आज बहुत ज़्यादा सुनसान लग रहा है, क्या ही बताएं। और जितने भी लोग कथा सुनने आ रखे थे अपने अपने घरों में, तो सभी लोग ना सुबह चले गए हैं। और अब ना मैं नीचे जाती हूँ खाना खाने, क्योंकि सुबह का ना हमने नाश्ता भी नहीं कर रखा है, क्योंकि नाश्ता ना हमने बना ही नहीं रखा है, सीधा ना दाल और चावल बना रखे। कम्बल भी ना ऊपर ही छोड़ रखा था, इसको भी नीचे ले कर चलती हूँ। खाना दे रही यहाँ पे ज्योति मेरे को भी, और अपने लिए भी निकाल रही। और खाने में बना रहा हमने चावल और अरहन की दाल। दोस्तों खाना खा के मेरी तैयारी हो गई है गौशाला जाने की, क्योंकि वहाँ पर ना मैंने गोरे को पानी भी पिलाना है,
और जितना भी ना गौशाला का काम होगा तो उसको भी करके आती हूँ, क्योंकि सासू जी का आज व्रत है और सासू जी ना शायद गौरी के साथ जा रखी है जंगल में गौरी को चराने, तो सासू जी ना थोड़ी देर में आएंगे। तो मैंने सोचा कि जब तक ना सासू जी गौरी को चरा के आते हैं तब तक ना मैं गौशाला का काम कर देती हूँ, और ज्योति ना घर का काम कर रही है। और आज ना बहुत दिनों बाद गौशाला जा रही हूँ। दोस्तों मैं गौशाला में पहुंच गई हूँ, यहाँ पर ना अंदर सासू जी ने गोबर निकाल रखा है, तो मैं अब से तो घर चलती हूँ। आज ना अच्छी सी धूप खिल रखी है और धूप के साथ ना हवाएं भी चल रही है, और कभी तो बहुत ज्यादा तेज धूप लग रही है और कभी समय पे ना धूप के साथ हवाएं भी चल रही है। और आजकल देखो खेतों में कितने सारे आलू हो गए हैं। जैसे ही मैं गौशाला से घर आई हूँ यहाँ पे ना ज्योति बर्तन धो रही है। दोस्तों सुबह से ना हमारे नल पर पानी नहीं आ रहा था, तो अभी ना पानी आ गया है, तो फटाफट से ना इस बड़ी टंकी को भर देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को सिर्फ पानी भर के। और रोकी को अभी बहुत गहरी नींद पड़ रखी है, रोकी उठ जा। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ये टंकी फुल भर दी है पानी की, अपना पानी टूटेगा ये तो पानी की कमी नहीं होगी। और सासू जी ना अभी तक भी जंगल से नहीं आए हैं, पता नहीं कितने देर में आते हैं। और किसी का कमेंट्स आ रखा था एक दिन यानी कि मायके वाली वीडियो पे कि आपके कितने घर हैं मायके में, कहीं पापा रहते हैं तो कहीं पे मम्मी रहती है तो कहीं पे दादा दादी जी रहते हैं। तो अक्सर ना हमारे दो घर है, एक नया वाला घर तो कमत में है, पुराना वाला घर ना ब्रह्मपुरी में है, ब्रह्मपुरी में ना दादा और दादी जी रहते हैं, और नए वाले घर पर ना मम्मी जी रहती है, और मम्मी जी के साथ ना मेरे भाई रहता है छोटा भाई, और कभी कभी ना पापा जी भी रहते हैं मम्मी जी के साथ, और कभी ना पापा जी मम्मी के साथ रहते हैं, कभी ना दादी और दादाजी के साथ जाते हैं पुराने वाले घर पर। वैसे तो ज़्यादातर पापा जी पुराने वाले घर पर रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर काम ना पुराने वाले घर पर है, तो इसी कारण ना पापा जी पुराने वाले घर पर रहते हैं। और दादी और दादी को ना बहुत ज़्यादा मनाते हैं कि मत रहो पुराने वाले घर पर, नए वाले घर पर चलो, पर लेकिन दादा और दादी जी ना बिल्कुल भी मानते नहीं है। दादा और दादी जी कहते हैं कि हमको ना यही अच्छा लगता है, क्योंकि दादा और दादी जी ना वहीं हमेशा रहे हैं, और ऐसे भी कहते हैं कि यहाँ ना पशुओं की देखभाल भी हो जाती है, तो इसी कारण से ना दादा और दादी जी पुराने वाले घर पर रहते हैं, और मम्मी जी ना इसी कारण से नए वाले ही घर पर रहती है, क्योंकि वहाँ ना मेरा छोटा भाई स्कूल रहता है और उसका स्कूल ना वहाँ से नज़दीक है, तो इसी कारण से ना मम्मी जी नए वाले घर पर रहती है। तो हमारे दो घर है, एक तो ब्रह्मपुरी में है, एक ना कमद में है। चलिए दोस्तों अभी दोपहर की एक बज गई है, और यहाँ पर ना सासू जी भी आ गई है गाय को चरा के। आ गए आप? आज सासू जी का व्रत भी, भूख भी लगी आपको? पर ना सासू जी कह रहे हैं कि भूख तो अभी नहीं लगी है, बाद में लगेगी। यहाँ पर ना सासू जी ने रोकी को खोल दिया है, क्योंकि रोकी ना बहुत ज्यादा रो रहा था। दोस्तों अब ना मैं रील्स बनाती हूँ, बहुत दिनों से ना मैंने रील्स नहीं बनाए है, एक रील्स तो मैंने कल बनाई थी साड़ी में, तो आज ही बना देती हूँ। ये भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो भी लोग ना मेरी रील्स को देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे ना ज्योतिका भट्ट से आईडी है, तो उस पर देखना सभी लोग। और रील्स बनाने वाली होगी यहाँ पे ज्योति, तो जल्दी से ऊपर आओ मेरी रील्स बनाने। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने थोड़ी देर तक रील्स बनाने की कोशिश की, पर लेकिन रील्स ने एक भी ढंग की नहीं बनी है, क्योंकि अभी ना बाहर बहुत तेज धूप लग रही है। कोई बात नहीं, दूसरे दिन बनाऊंगी।
चलिए दोस्तों, अभी शाम की 4 बज गई है और अभी ना पूरा मौसम बदल गया है, पूरे आसमान पे ना बादल ही बादल आ गए हैं और बहुत ज्यादा तूफान आ रहा है उधर साइड से। और यहाँ पर देखो हमारी सोलर लाइट ना बहुत ज्यादा हिल रही है हवा के कारण। अभी तक ना थोड़ी देर तक तूफान आया है और अभी ना हल्की हल्की बारिश, और उधर साइड देखो सभी लोग अपने पेड़ों से नुवा ला रहे हैं, जल्दी जल्दी रेस लगा के। दोस्तों अब मैं फटाफट से फोन को चार्ज पे लगा देती हूँ क्योंकि लाइट लगाना कोई भरोसा नहीं है, तो जल्दी से नीचे जाओ। सुबह तक तो बहुत प्यारी धूप आ रखी थी और अभी तक तो हमने जैसे ही आराम किया है तो मैं बाहर आई तो बाहर ना अचानक ही मौसम बदल रखा था, पूरे आसमान पे ना बादल ही बादल आ रखे और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी बाहर। तो सबसे पहले ना अपने फोन को चार्ज भी लगा देती हूँ, दूसरा फोन तो मैंने ऊपर लगा दिया है और इसको यहाँ लगा देती हूँ। अभी ना मैंने जैसे फोन को चार्ज लगाया उतने मैंने लाइट भी चली गई है, पता नहीं अब लाइट आती भी है कि नहीं भी आती। मैं ऊपर जाती हूँ, ऊपर वाले फोन को बंद कर देती हूँ तुरंत। और अभी ना बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, भगवान लाइट आ रही चाहिए, मेरा फोन तो काफी चार्ज है। दोस्तों अभी शाम की 5 बज गई है और लाइट भी अभी तक नहीं आई है और बारिश भी रुकी नहीं है और अभी तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है बाहर। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने परिवार के साथ व्यस्त रहे। जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड, बाय बाय।